नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बी आर अम्बेडकर कॉलेज में साहित्य पढ़ा था और माफी चाहूँगा, मेरा पेपर अंग्रेजी में है क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा शर्म भी आ रही है क्योंकि बाकी सब लोग इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे थे। आई ट्राई माय बेस्ट टू समराइज इट। जैसे जैसे सेक्शन खत्म होते जाएंगे मैं उनका हिंदी में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले क्योंकि पेपर अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैं दादरी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ की आपको आप में से कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि ठीक एक साल पहले 14 मार्च को वहाँ पे बहुत ही बर्बर अटैक हुआ था। वहाँ के दादरी जो कि एक एनसीआर का एक इम्पोर्टेंट अंग है और जब से ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट शुरू हुआ है वहाँ पे नए तरीके के कॉम्पिटिशन पैदा हो रहे हैं और उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बात करना चाहता हूँ, जिससे कास्ट क्वेश्चन और उसका क्लास से क्या रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर थोड़ा लाइट फेंकने का मौका मिलेगा। तो ये 14 मार्च पिछले साल 14 मार्च की घटना है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। रामगढ़ का रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो कि बहुत ही तेजी से रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहां पे लैंड क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा अभी प्रोटेस्ट हुआ और राहुल गांधी वगैरह वो सब भी जाके भट्टा प्रसूल के फार्मर्स के साथ उन्होंने सहानुभूति दिखाई और वहां पे जाके बताने की कोशिश की कि कैसे कॉम्पनसेटरी जो पूरा पैराडाइम है लैंड एक्विजिशन का उसके ऊपर मेजरली उन्होंने बात रखी। रामगढ़ कई वेस्टर्न यूपी के गांव की तरह लश एग्रीकल्चर फील्ड से सराउंडेड है, जहां पे कि अंसल जैसे ग्रुप्स ने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी हैं जहां पे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जमीनें उनको कई बहुत ही सस्ते दामों में मिली है, जिसको ऑलमोस्ट प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन माना जा सकता है, अलोंग विद द प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो कि झारखंड जैसे इलाकों में या उड़ीसा जैसे इलाकों में देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे दादरी में बेसिकली एक गांव है रामगढ़, जिसमें अलग से एक इलाका है जिसको कि चमरावली कहा जाता है, जो कि एक जनरल गांव के इलाके का यूपी में कई गांव में चमरावली नाम के एरियाज होते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिशनली आपको मालूम होगा कि यूपी में चमार की पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है और चमार का रोल यूपी के पॉलिटिकल कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही। तो ये जो रामगढ़ की जो चमार है जो अपने आप को जाटर कहते हैं, जो इन्होंने ये नया सरनेम इजाद किया है जो अपने आप को जाटर कहते हैं, ये एक दलित ग्रुप का एक हिस्सा है और दूसरा दलित ग्रुप का हिस्सा है जो कि जैसे कि क्या बेसिकली जाटर्स आर द प्रोमिनेंट ग्रुप अमंगस्ट दलित्स। दे हैव बेनिफिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिकॉज़ दीस पीपल मोस्टली टेक अप ठेकास, तो ये ठेकेदार हैं और कुछ कुछ इनके पास जो अपने मजदूर हैं उसी कास्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने ही स्पेसिफिक ग्रुप में से कुछ लोगों से लेके ये रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है और वहां से इनकी इकोनॉमिक पोजिशन थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है और उसके चलते इनकी पोलिटिकल कॉन्शियसनेस भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हुआ ये कि जैसे कि स्टेट ने डिसाइड किया था कि कुछ हिस्सा गांव की जमीन का दलित समुदाय के नाम कलेक्टिवली स्टेट ने अस्क्राइब किया था और इस जमीन को जो अपर कास्ट के लोग हैं जो ओबीसी हैं जैसे कि गुज्जर कम्युनिटी है जो कि दादरी के इलाके में, उन्होंने हटाने की लगातार कोशिश की है। सिर्फ इस गांव में नहीं, ये गांव शुड बी सीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरी जनरल ट्रेंड दैट इज अफेक्टिंग वेस्टर्न यूपी इन जनरल। तो इस गांव में आप देखेंगे कि ये जो जमीन हटाने की कोशिश की गई ये किस तरीके से की गई, ये जो जमीन इनके लिए अलॉट की गई थी उसके चारों तरफ इन्होंने पहले बहुत बड़ी 6 फुट की एक दीवार लगाई। उससे ये हुआ कि ये जो लोग ये तो शहर में नौकरी करने जाते थे और ये वो जमीन से जहां पे इनका चमरावली का एरिया है उनको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी घूम के जाना पड़ता है। ये इस चीज का बैकग्राउंड है। इन लोगों का जो प्रोटेस्ट जो इनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस केम इनटू द फोर इट डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट प्रॉब्लम्स ऑफ जिसे हम कहते हैं कि अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है जैसे कि या इस इन तरह के प्रॉब्लम से नहीं इनका वो है,
ये शहरी कल्चर से वाकिफ है, ये शहर में जाके रियलाइज करते हैं कि अनटचेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द अर्बन मिलियू एज सच, लेकिन ये फिर जब गांव में जाते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उसी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर गांव में छुआछूत आदि भी कायम है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को ये भलीभांति पहचानते हैं और उसको रियलाइज करते हैं। तो हम इंटेलेक्चुअल्स माने ना माने, लेकिन इन ये जो ये पॉलिटिकली कॉन्शियस जाटर है, ये लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि अर्बन मिलियू में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के साथ किस तरीके का फर्क आता है और प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि कल्चरल ऑपरेशन के प्रैक्टिसेस होते हैं जिनकी काफी बात की हुई है, जिनको हम इमोशनली जनरली रेफर करते हैं, दर्द जिसको हम कहते हैं कि इस तरह का दर्द है और इस तरीके से हमको बोला जाता है, वो सब भी रामगढ़ में होता है। बट इट स्टैंड्स टू बी इवैल्यूएटेड विद देयर एक्सपीरियंसेस इन द अर्बन मिलियू, प्लेसेस लाइक नोएडा एंड अदर गाजियाबाद, प्लेसेस वेयर दिस काइंड ऑफ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस। राइट, Dalits are the most vulnerable community in Ramgarh, but Dalits as a whole group are not the most vulnerable community. And Valmikis, for example, which are a subset of the Dalits there, do not really have a political coordination, they don't have political solidarity with Jatars, who have become more important. In many cases, we have seen that a small group of Jatars are also associated with the Samajwadi Party, which is a contradiction in itself, because Samajwadi Party is, we all know, is a sort of a pull-out party, and so it is this contradiction that we must bear in mind when we talk about the Dalit atrocity in Ramgarh, so that we don't fit in the traditional structure. So this was one year before the fight for the land. After that, on 14 March, they had a petition that basically in SDM's office to build this wall. इसके बाद 14 मार्च को इनके ऊपर एक बहुत भयंकर हमला होता है, जिसमें कि जाटर समाज की औरतें और मर्द मिलके और टीनेजर्स मिलके, जो कि बच्चे हैं अभी 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये लोगों ने मिलके इनके ऊपर अटैक किया। गुजरों की जो औरतें हैं उन्होंने जाटरों की औरतों को मारा, और प्लीज रिमेंबर वाल्मीकिज वर अनअफेक्टेड बाय दिस, बिकॉज वाल्मीकिज स्टे सेपरेटली एंड दे आर स्टिल ट्रीटेड एज अनटचेबल, नॉट जस्ट बाय द गुजर कम्युनिटी। Okay. Yeah, just giving a bit of a background too, because ताकि फिर ये clear हो जाए। इसको आप जो पढ़ने में तो background Yeah, just give me 2 minutes. Yeah. Okay. Right. तो इस हमले के बाद जिसमें कि कई औरतें इस community की घायल होगी, और इस हमले के बाद political charging on part of the Jatars became even more strident. इन लोगों ने धरने देना शुरू कर दिए, और यहाँ पे CPIML लिबरेशन, जिसके बारे में भाजपा वाले जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने इंटरवीन किया, और फिर वहां पे इन लोगों का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, रिमेंबर इट वाज नॉट CPIML लिबरेशन व्हिच इनिशिएटेड दिस चेंज इन देयर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, गेटिंग आउट ऑन रोड्स, इनफैक्ट CPIML जॉइंड देम आफ्टर द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वाज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। इस केस में जब ये इंटरवेंशन हुआ, तो उसके बाद इन लोगों के एक लड़के को, जिसका कि एक प्रेम का मामला था जाटर कम्युनिटी की लड़की के साथ, उस मामले के डर पे उसको उसके घर से किडनैप कर लिया गया, उसको मारा गया, और उसको ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया गया, और उस लड़के ही हैज लॉस्ट बोथ हिज लेग्स, हिज नेम इज ब्राउन जाटर, एंड ही हैज लॉस्ट हिज लेग्स नाउ, उसको एम्स में भर्ती किया गया, और बेसिकली अब वो दोनों तालियां उसकी काट दी गई, हिज लेग्स वर एम्पुटेटेड। और इसके बाद ये पॉलिटिकल लड़ाई और तेज हुई, बट द कॉन्ट्रडिक्शन टू रिमेंबर इज दैट सम ऑफ द वाल्मीकिज आर नॉट गेटिंग एसोसिएटेड विद द जाटर कम्युनिटी, द जाटर कम्युनिटी डिड नॉट मेक अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट आल्सो टू सीक सॉलिडारिटी फ्रॉम वाल्मीकिज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक इवन व्हाइल वी टॉक अबाउट द हेरोइक रेजिस्टेंस ऑफ जाटर्स एज फार एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लैंड गोज। ओके, सो आई शिफ्ट टू माय पेपर नाउ, आई कम बैक टू दिस एज टू हाउ थियोरेटिकली वी कैन थ्रो लाइट ऑन डेवलपमेंट्स लाइक दिस व्हिच आर नॉट आइसोलेटेड केसेस but are rather symptomatic of the political economy of new development. Right. So my paper is called Distinctiveness as Ideology. Distinctiveness, जो कि बहुत पेपरों में पहले भी बताया गया कि हमारा capitalist development distinct है, क्योंकि और इसीलिए western categories of political analysis को हम Indian situation से नहीं use कर सकते हैं. So this I'm going to start reading now. This paper can also be called Pain and the Politics of Specificity.
पहले दो कीट है, कोर्ट है, पहला कोर्ट है जॉन मेरिट कीन्स का, जिसका नाम आप सबने सुना है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है थे. दिस इज व्हाट द कोर्ट थॉट. सो जॉन कीन्स फर्स्ट, आई थिंक बी इन्फ्लुएंस्ड ही सेड बाय व्हाट सीम्स टू बी जस्टिस एंड गुड सेंस, बट द क्लास वॉर विल फाइंड मी ऑन द साइड ऑफ द एजुकेटेड बूर्जुआज. एंड सेकेंडली आई बिलीव ही सेज दैट द सीड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डीके of individualistic capitalism are to be found in an institution which is not in the least characteristic of itself, but which it took over from the social system of feudalism. So this is very important. So he says individualistic capitalism ka apni galtiyan nahi hai, galti ye hai ki unhone feudal ka jo culture hota hai wo apnaya aur us tarike se aage badhne ki koshish ki. हम लोगों को जरूरत है कि हम इस कैपिटलिस्ट गलती को सुधारें और इसमें डेमोक्रेटिक प्रेशर डाल के कैपिटलिज्म को सुधारने की कोशिश करें. सो दिस इज व्हिच इट टुक ओवर फ्रॉम सोशल सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म व्हिच प्रीसीडेड इट, नेमली द हेरिडिटरी प्रिंसिपल. द हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेल्थ एंड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज द रीजन व्हाई द लीडरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट कॉज इज वीक एंड स्टूपिड. दिस इज जॉन कीन्स एंड ही इज राइटिंग इन एन एसे कॉल्ड एम आई अ लिबरल. The second quote is by Marx from the German ideology. You are probably all familiar with it, but as we read it. If an epoch imagines itself to be actuated by purely political or religious motives, although religion and politics are only forms of its true motives, the historian accepts this opinion. The idea, the conception of people in question about the real practice is transformed into the sole determining active force. जैसे caste system का ideology को हम बोलते हैं कि या पितृसत्ता की ideology है, उसकी वजह से लोग ऐसे बोलते हैं. अभी दिल्ली में recent rape case में भी लोगों ने बोला कि पितृसत्ता बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद. कि पितृसत्ता का relationship ideological thought से है कि कहाँ हम अपने दिमाग में क्या मानते हैं और so on and so forth. The idea and conception of the people in question about their real practice is transformed into the sole determining active force which controls and determines their practice. When the crude form in which the division of labor appears with the Indians, what the Indians and Egyptians call for the caste system in their state and religion, the historian believes that the caste system is the power which has produced this crude social form. So the idea is it is this which has produced this social form, and not the social form which has produced it. Yeah, so I begin, my introduction is the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिबरल लिमिट. यहाँ पे मैं जो बाकी साथी बोल के गए हैं अम्बेडकर के बारे में जिस टाइप का क्रिटिक है उससे मैं डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को थोड़ा सीरीज में देखना पड़ेगा. एकदम ब्लॉक करके ये रिएक्शनरी है और ये रेडिकल है नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जब तक क्रांति नहीं आएगी हर सिचुएशन रिएक्शनरी सिचुएशन बन जाएगी. इंट्रोडक्शन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिबरल लिमिट. सम 64 years ago, आप सबको मालूम है कि अम्बेडकर को क्रेडिट किया जाता है सब फोटोग्राफ्स में. शादी की भी फोटोग्राफ है जो उनकी उनकी बीवी के साथ जो हड्डे का प्रचलित है उसमें भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा हुआ है शादी करते वक्त. सम 60 years ago, the preamble to the Constitution of India declared that we, the Republic of India, had resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. The people awarded themselves justice, liberty, equality, and fraternity. You see the connection with French Revolution. This secular part was to take too. India is still reeling under the ironic development of this farcical and tragic so-called democracy. Dr. Ambedkar, who was to soon realize that he had been used as a hack, is the chief architect of this historical modality of bourgeois capitalism. So we can begin by categorically stating. और जनरली हम जो इससे नतीजा निकालेंगे मैं वो नतीजा नहीं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसलिए वो सबसे बड़े बुर्जुआ थे क्योंकि उन्होंने ये प्रचलित किया कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा. सो वी बिगिन बाय कैटेगरिकली स्टेटिंग दैट व्हाटएवर रैडिकल इमांसिपेटरी पोटेंशियल टुडेज लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स एंड एंटी मॉडर्न्स कैन इमेजिन इन इंडियन डेमोक्रेसी इज द फ्रूटिशन ऑफ द राइज ऑफ सबाल्टर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. Subaltern politics can never be disassociated from the urgent task of defying the Indian state and of living every day within the limits of capitalist social democracy. As the Indian Republic adopted a constitution that had done away with Dr. Ambedkar's radical agendas,
The pedigree of Indian liberalism was on shameless display. And let a thousand scholars wax eloquent about the Indian constitution and constitutionalism, but subaltern politics begins with the knowledge of the futility of expecting real democracy within the parameters of the welfare state. आज की दुनिया में constitutionalism का भी एक नया दौर चला है, जहाँ पे judicial activism वगैरह की बहुत बात होने लगी है, तो इस context में भी आप इसको देख सकते हैं. So we could begin here. Could we begin here? Could we censure Ambedkar? क्या आप अम्बेडकर को सुधार ही नहीं सकते इस बारे में? As Marx had censured a whole gang of half-mature students and supervised diplomas doctors. Ambedkar was the first doctor from his community. He was the first graduate, in fact, to graduate out of college from his community. Could we, as Marx had censured a whole gang of half-mature students and supervised diplomas doctors who want to give socialism a higher idealistic orientation? That is to say, replace its materialistic basis by modern mythology with its goddesses of justice, liberty, equality and fraternity. Was Ambedkar then a diplomat doctor? Let us answer this question then with an emphatic no. See, itna bolne se nahi chalega ki annihilation task ko dustbin mein dal dena chahiye. Aise to aaj se pehle jitne bhi baatein hui hain, sab ko hi dustbin mein dal dena chahiye. To fir aap kaise realize karenge ki liberal limit hai kya? Ki aapko kis limit ko cross karna hai? To itna bolna sahi nahi rahega. इतिहास की जो रिविजनिज्म होती है उसी से लिमिट को चैलेंज करने का समझ रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने लिबरल लिमिट के साथ लड़ाई की हुई होती है. एनीवे, गेटिंग बैक टू दिस, वाज अम्बेडकर देन अ डिप्लोमा डॉक्टर? लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन विद एन एम्फैटिक नो. द शैटरिंग ऑफ अम्बेडकर्स बिलीफ इन लिबरल ड्रीम्स ऑफ बूर्जुआ डेमोक्रेसी हैड बिगन विद हिज कॉन्फ्लिक्ट विद गांधी एपिटमाइज्ड इन द पूना एक्ट. द क्वेश्चन इज, why does Ambedkar continue to believe that the subalterns must continue to fight within the limitations of the bourgeois state? And further, why does Ambedkar, after he has realized that the bourgeois state fights subaltern aspirations of real democracy, pin his hopes on the emergence of the subaltern classes as non-Hindus? Aur Ambedkar ne pehle ye decide nahi kiya tha ki wo Buddhism mein convert karenge ki nahi. Unhone Islam, Christianity aur Buddhism ka ek comparative analysis kiya aur decide kiya finally ki Buddhism is the most apt religion which he should transform into, which Dalit should pick up. The 42nd Amendment, aap sabko malum hai iske bare mein, came into effect on 3rd January 1977, and the people now constituted India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This time again, the shameless pedigree of Indian liberalism doled out constitutional approval of socialism on the corpse of the first debacle. And aapko malum hai, Indira Gandhi ki emergency. I will limit the remarks on the emergency period. Andre Gunde Frank once called it the emergence of permanent emergency in India. It would suffice to say that the political turmoil of emergency years is symptomatic of the failure of liberal social democracy and the crisis of accumulation. It is symptomatic too of the rise of fascism and its fatal link with the failure of the palliative pill of state socialism. State socialism ko hame subaltern pressure for democratic policies se distinguish karna seekhna padega. Cut to the present scenarios and you will see in the wake of the Maoist challenge, which should be understood as radical subaltern resistance, mujhe pata hai bahut logon ko isse bahut problem hone wali hai, which does not show the same alarm at derivative discourses. Ye jo derivative discourse ki baat hai ki western political category ko use karte hain, Maoist discourse ko istemal karna, jaise ki Bihar mein dekha gaya, itna koi is tarah ka derivative discourse ka problem nahi create karta, ideological problem nahi create karta, at least on the part of the subaltern. Anxious bourgeois pronouncements about the virtues of the constitution and the longevity of Indian democracy. You will all remember well-known journalist B.G. Varghese's prophecy in 2010 in an article in Outlook magazine, and this is what he says: the Maoists will fade away, democratic India and the constitution will prevail, despite the time it takes and pain involved. And this is what elicited the famous response from Azad, who was shortly after that killed by the Indian security forces. And this is, these are the things he said. This was also, this was an article that Outlook printed 3 weeks after Varghese's article. In which part of the India is the constitution prevailing, Mr. Varghese? In Dantewada, Bijapur, Tanker, Narayanpur, Rajendagaon, in Jharkhand, Orissa, in Lalgarh, Jangal Mahal, in the Kashmir Valley, Manipur? Where has your constitution been hiding for 25 long years after thousands of Sikhs were massacred, when thousands of Muslims were decimated?
When lakhs of peasants are compelled to commit suicide, when thousands of people are murdered by state-sponsored Salwar-Jugum gangs, when Adivasi women are gang-raped, when women, people are simply abducted by uniformed goons, your constitution is a piece of paper that does not even have the value of a toilet paper for the vast majority of the Indian people. In this way, काफी controversy create किया था कि constitution को toilet paper बोल दिया. I'm sure a lot of Dalit organizations also were quite in pain because of this comment. More importantly, Varghese's real motivations were on display in other parts of the articles. You see, this is the part of the article which generated a lot of controversy. What did not generate controversy was what he was saying later. Azad picks up exactly the lines where Varghese's liberal theory of peaceful redistribution and development is laid bare with its true face. और इस पूरी कंट्रोवर्सी में इस चीज को बुला दिया गया कि आजाद ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोगों ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया. इस बात को बुला दिया गया जो वर्गीस ने कहा था. देयर इज मच वर्च्यू इन ट्रांसलेटिंग गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इन अ न्यू एंड इवॉल्विंग इडियम ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विच कॉर्पोरेट्स द स्टेट एंड कोर्ट्स हैव गिवन वेरियसली गिवन एक्सप्रेशन. The new deal is being worked out by the Posturs, Vedantas, Tatas, Mittals and others are greatly in advance of what was on offer even 5 years ago. Does this not remind us of the liberal face-cleaning devices of the SPLs with their convenient distinction between European expansionism and English colonization? ये पूरा agenda था जैसे कि Heart of Darkness में ये पूरा notion है. आपने पढ़ा होगा Joseph Conrad का बहुत famous novel है जिसको कि anti-imperial novel की consider किया जाता है कई बार. हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी एंगल से एंटी इंपीरियलिस्ट है. मुझे लगता है कि वो बहुत एक इंग्लिश कॉलोनाइजेशन को सेपरेट करने का और उसको अपनी अपना जो उससे मौत फैला रखा है उसको भुलाने का एक तरीका है. इट वाज इजियर फॉर देम आल्सो बिकॉज कॉलोनाइजेशन वाज हैपनिंग नॉट इन देयर ओन बैकयार्ड बट वाज हैपनिंग ओवर हियर. सो डिड नॉट द बेल्जियन कांगो बिकम फॉर द इंग्लिश अ कैथार्टिक डिवाइस. कैथार्सिस से आप सब फैमिलियर हैं नोशन ऑफ कैथार्सिस से. Become for the English a cathartic device to forget their own history and present. मैं थोड़ा सा digression है. आपको पता होगा प्लेटो और एरिस्टोटल का जो एक बहुत famous debate है about art, artists को और writers को state में रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए. क्या वो state की democracy के लिए फायदेमंद होते हैं या नुकसान देते हैं. प्लेटो को मानना था, हालांकि हम प्लेटो को फासिस्ट भी कहते हैं, लेकिन प्लेटो को यह मानना था कि आर्टिस्ट पॉजिटिवली डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं. हालांकि प्लेटो दूसरे कैंप से बोल रहा था, लेकिन हमारे कैंप में यही हमें मानना चाहिए कि राइटर्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द लिमिट्स एंड दे क्रॉस द लिमिट्स दैट लिबरल डेमोक्रेसी प्रॉमिसेस टू कीप. तो लेकिन एरिस्टॉटल कहते थे नहीं नहीं राइटर ऐसे नहीं होते हैं. राइटर का मेन काम यह होता है कि उन लोगों को कैथार्सिस अचीव करता है. थियर ऑफ पिटी का परगेशन होता है तो स्टेट के अगेंस्ट जो डेंजर होता है लोगों का वो कम हो जाता है. लोग थोड़े अच्छा महसूस करते हैं जब वो थोड़ा रो देते हैं और हंस दे देते हैं थोड़ा कुछ पढ़ने के बाद. Yes, so King Leopold II was also appropriated, like Hitler was after the Second World War, to forget the true history of genocide as a constitutive part of capitalism. Indian capitalism ki evolution mein partition ko constitutive genocide maanne ki baat abhi tak nahi uthi hai, jo ki uthni chahiye. Aur dusri baat ye hai ki Poona Pact ka kya effect hota hai partition mein, is baat ko bhi abhi nahi discuss kiya gaya hai. मैं एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट मानना चाहूंगा. मुझे लगता है कि पूना पैक्ट इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन इंपीरियलिज्म, जिसको कि हमें इंडियन इंपीरियलिज्म बोलना चाहिए, क्योंकि इसी पैक्ट के जरिए एक वर्टिकल अलाइनमेंट बनाई जाती है हिंदूज में, जबकि अमेरिका का बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट एक थ्री नेशन थियरी या फोर नेशन थियरी को जन्म देने की टेंडेंसी रखता था. कि जैसे कि गांधी ने बोला था कि ऐसा ना हो कि दलित मिलके और मुस्लिम मिलके हम सब जो कास्ट हिंदूज को मार दें. Yes, as neoliberalism's devastation oozed star culture. आप देखेंगे कि neoliberalism की वजह से जितने भी लोग जो जो भी devastation हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप अब वो जमाना नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता. अब वो जमाना है कि कुछ ज्यादा ही पता चलता है, ज्यादा ही दिखाया जाता है, ज्यादा ही दर्द होता है लोगों को. दिल्ली गैंगरेप में ही दर्द और समझ के रिश्ते की दूरी को भुला दिया गया और सिर्फ दर्द को पहचानने की कोशिश की गई. और ये दर्द को सिर्फ पहचानना फासिज्म को दर्द को बिना समझ का पहचानना फासिज्म की मदर होता है. आप सिर्फ दर्द पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और समझ के और नहीं पढ़ेंगे. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बिकमिंग फासिस्ट. एज न्यूलिबरलिज्म डेविस्टेशन ऊज स्कार कल्चर ऑफ द स्क्रीन्स ऑफ द बुर्जुआजी.
It was another historic opportunity for the liberals to affirm their faith in the flawed but still democracy and save Indian politics from what they say were the authoritarianisms and war models. ये मैं फुकुओ से उठा रहा हूँ कि एक किताब है Society Must Be Defended, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आज तक का जितना भी political culture है वो war model पे based है. War model ये है कि both left and right wing लोग ये विश्वास करते हैं कि war is the solution to the problems of mankind. राइट विंग अलग तरह की वॉर चाहते हैं, कास्ट वॉर, रेस वॉर और इस तरह की वॉर को जाप देते हैं. फर्क सिर्फ ये है कि लेफ्ट विंग वाले उसको क्लास वॉर में बदल देते हैं. वो अलग बात है, क्लास वॉर में नहीं बदलेंगे तो इसी रीजन की वजह से फासिज्म होता है, फुको उसमें नहीं जान देते. सो दिस इज अनदर हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लिबरल्स टू अफर्म देयर फेथ एंड टू सेव इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम द अथॉरिटेरियनिज्म एंड वॉर मॉडल्स ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड द राइट. रामचंद्र गुहा ने भी वेयर आर द इंडियन लिबरल्स करके ऐसे लिखा, तो उसने यही बात कही थी. एंड इफ कैपिटलिज्म इज टू ब्लेम, और आपको याद होगा हिटलर ने भी यही बात की थी, और हिटलर ने सबसे पहले कम्युनिस्टों को जलाया था अपने किल्स में. होमोसेक्सुअल्स, कम्युनिस्ट एंड रोमेनियन जो लोग होते हैं, रोमेनियन जिप्सी, उनको सबसे पहले जलाया गया था. उनकी तादाद भी ज्यूज से ज्यादा थी. And if capitalism is to be blamed, there are always the straw evils of bad capitalism, feudal capitalism, colonial political imaginaries to blame. और यहाँ पे आप सब तरह के ये जो new left और suburban studies type के agendas होते हैं, आप इनको fit होते हुए देख सकते हैं. The model of separation of powers is often said to move beyond the paradigmatic form of parliamentarianism. Separation of powers का ये जो पूरा model agenda है कि एनजीओ का भी यही नोशन होता है कि पावर डाइल्यूट हो जाती है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है. ये आप कीन्ज़ियन इकोनॉमिक्स से इसका रिश्ता देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन कैपिटलिज्म को अपनी बर्बरता से बचा के उसके एक अच्छे स्वरूप में निकालने की कोशिश करती है. द आइडिया इज दैट पावर शुड नॉट बी वेस्टेड इन अ सिंगल अथॉरिटी और द सेम ओल्ड थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ डेमोक्रेसी. वी कैन ऑल्सो रिकॉल हियर द इंपीचमेंट ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. आप सबको मालूम होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स का एक बहुत बड़ा मतलब बहुत फेमस डिबेट्स इन इंग्लिश पार्लियामेंट, जहां पे एक बहुत बड़े लिबरल थे, उन्होंने कोशिश किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को इंपीच किया जाए. इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव कि आई लाइक सर निकोलस डर्ब्स. हालांकि मैं निकोलस डर्ब्स के हर आर्ग्यूमेंट को नहीं सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसमें मैं सिर्फ उनको इन्वोक कर रहा हूं. एडमंड बर्क, पार्लियामेंट्री एक्टिविज्म सर्टेनली हेल्प्ड इन पॉजिटिंग अ मोर ह्यूमेन एम्पायर and use the neutrality of the parliament as an excuse for the inauguration of the new phase of empire. आपको मालूम होगा जब East India Company से queen sovereignty जो उसका powers है वो उठा लेती है, और यही argument देती है कि unchecked power है, कहीं ये recede कर जाएगी Portuguese colonization की तरह into barbarity and so on. Neutrality of the parliament as an excuse for the inauguration of new phase of empire. This should alert us to the notion of separation of powers. And every time the humanity of the Supreme Court is on display, it should make us pause and reflect on the limits of constitutionalism. Warren Hastings was seen by Burke as personifying arbitrary power. जिस तरीके से अभी भी बहुत बोला जाता है कि सब पॉलिटिशियन कमीने होते हैं, सबको गोली मार देना चाहिए, कारपेट बॉम्ब कर देना चाहिए पार्लियामेंट को. And here is an even more excessive rhetoric. ये वो स्पीच है जो Warren Hastings ने इंपीचमेंट की शुरुआत में दी थी इंग्लिश पार्लियामेंट में. Is the separation of power I forgot to quote. He has arbitrary power? My lords, the English India Company have not arbitrary power to give him. The king has no arbitrary power to give him. Your lordships have not. आप पार्लियामेंट के आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को भी अनलिमिटेड पावर दे देंगे. Not the commons. Commons is his name for everybody in general, sovereignty principle derived from the people. Not the whole legislature. भगवान की लिखने में इसमें जो शायद सही रहता. इज द सेपरेशन ऑफ पावर जो कि आजकल इतना फैशन में आ चुका है, इज इट अ न्यू पैराडाइम ऑफ पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स. व्हाट वी कैन से फाइनली दैट थ्रूआउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रन द थ्रेड ऑफ वॉइसेस. मैं इंडिपेंडेंट इंडिया एक्चुअली कहना नहीं चाहूंगा. मुझे लगता है इंडिपेंडेंट इंडिया को बर्थ ऑफ इंडियन इंपीरियलिज्म मानना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के फेडरेटेड स्ट्रक्चर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. हर नेशन को एक तरीके से उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं उसको एक तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम इंटर स्टेट फासिज्म भी देख सकते हैं.
I quote the Supreme Court on the backwards after the furore over Mandal Commission. This is what the Supreme Court says. They are a living monument of backwardness and backwardness. You can see the subaltern school here. They are a living monument of backwardness and a shameful reminder of our national indifference, a cruel betrayal of what the preamble to the Constitution proclaims, rehabilitation and resettlement of these unfortunate victims of societal indifference and governmental neglect, and appropriate and urgent measures for the state-aided healthcare, education and special technical training for their progeny with a view to their employment in public services are the primary responsibilities of a welfare state. So here is the crux of the ideology of constitutional and judicial activism. The miserable condition of the oppressed is due to societal indifference, governmental neglect, betrayal of preamble, and the solution lies in employment in public services in a welfare state. So I go on to the next section now. This section is called Keynes, a Maker, and What to Do at the Liberal Limit, or Working Class Democrats and Social Democrats. We can take a brief detour here. Can we find similar articulations at other moments in history where capitalist democracy fails to live up to its self-image? Let us pay attention to the theorization jisko capitalist crisis bolte hai, level ek crisis tak pahunch jata hai. Let us pay attention to the theorizations of John Maynard Keynes, who was in a historical situation so productive of revealing the limits of bourgeois liberal capitalism. When in 2008 the world economy experienced a severe crisis, Keynes was back in news. Har jagah Keynes ki naye biographies, uska Prabhat Patnaik ne apne article likha ki Keynes ka kaise wapas अब अभी वो आ रहा है. अमिया कुमार बातचीत ने लिखा कि हम लोगों को कीन्स और स्ट्राफा से कुछ बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूलिबरलिज्म ने क्या हालत बना दी. ही वाज बैक इन न्यूज एंड टू पॉल क्रूटमैन इट सीम दैट इट वाज कीन्स नॉट मार्क्स हु क्रैक्ड द कोड ऑफ क्राइसिस इकोनॉमिक्स हु एक्सप्लेन्ड हाउ रिसेशंस एंड डिप्रेशंस कैन हैपन एंड एज जापान एंड द रेस्ट ऑफ एशिया हैड गॉन इनटू एन इकोनॉमिक टेलस्पिन इट इज कीन्सियनिज्म and not Marxism that offers useful guidance about how they might save themselves. It is not difficult to see why it seems so to Krugman. Keynes personifies theorizing at the limit of liberal politics. For Keynes, an explanation must be found for the miserable state of capitalist modernity without transcending the bourgeois state. And the reflection must be directed towards possible improvements in the technique of modern capitalism by the agency of collective action, not by the agency of collective action. Am I a Liberal, which is Keynes, was first given as an address to the Liberal Summer School, which met at Cambridge in August 1925. To account for the vicissitudes of global unfolding of capitalism, Keynes quotes a certain American professor Collins to claim that we are in a period of stabilization, and truly characterizes as the actual alternative to Marxist communism. In this period, he says, there is a diminution of individual liberty. So he is not talking about some rude form of individualism here. There is a diminution of individual liberty, enforced in part by governmental sanctions, but mainly by economic sanctions through concerted action. Concerted action, whether secret, semi-open, is baat ko aur dhyan dene ki zarurat hai. Whether secret pressure, semi-open pressure, open pressure, arbitrational pressure of associations, corporations, unions and other collective movements of manufacturers, merchants, laborers, farmers and bankers. मुझे लगता है ये बात सब के साबित हो गई है. इन सब के ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में कैपिटलिज्म के साथ इसी भरी बात इसी तरीके से डील करते हैं. The abuses of this epoch in the realms of government. तो वो बोलता है कि इसके अब्यूज क्या थे, जो इंडिविजुअलिस्ट कैपिटलिज्म था जिसने हम लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिजल्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला, इसका क्या रीजन था. सो अब्यूजेस ऑफ दिस ईपॉक इन द रियल्स ऑफ गवर्नमेंट आर फासिज्म ऑन द वन साइड. इसने एक तरफ तो फासिज्म प्रोड्यूस किया और दूसरी तरफ बोल्शेविज्म एंड बोल्शेविज्म ऑन द अदर. सोशलिज्म ऑफर्स नो मिडिल कोर्स बिकॉज इट इज ऑल्सो स्प्रंग फ्रॉम द प्रीसपोजिशंस ऑफ द एरा ऑफ अबंडेंस जस्ट एज मच एज लाइसेफेयर इंडिविजुअलिज्म एंड द फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस. Keynes is not talking about the free play of
economic forces in that sense. Before which latter, almost alone amongst men, the city editors, all bloody and blindfolded, still piteously bow down. अब जिन लोगों को लगता है कि कीन्स पे थोड़ा सा socialist angle है, उन लोगों को ये बात ध्यान से देखनी चाहिए. Especially जो कई सीटियाँ के लोग हैं जिन्होंने कीन्स की बहुत तारीफ करना शुरू कर दी थी neoliberal assault के बाद. John Keynes has been associated with the notion of development of planned economies in the third world. और ये मैं planning के against नहीं बोल रहा हूँ. A certain kind of planning techniques bol raha hu. His brand of economics was seen to be a rejection of neoclassical economics and a way to salvage the capitalist system from its own free trade version. Actually, a laissez faire version hona chahiye yahan pe, aap correct kar sakte hain. Free trade aur laissez faire mein distinction karta hai Keynes. Attempts are made to fit Keynes into both a Marxist as well as what the free trade liberalists call state authoritarianism. The latter group accuses Keynes to be no liberal at all, given his castigation of neoclassical economics. His social democratic maneuver to save the capitalist world is seen as left deviation. On the contrary, Keynes believed his prescriptions could save the world from a class war. His theorizations made sure that the fatal link between capitalist modernity and fascism is made invisible by exonerating capitalism and blaming feudal remnants. आप देखेंगे कीन्स की थियोराइजेशन में सबाल्टर्न स्कूल का कितनी बीज आपको देखने को मिलता है. कीन्स कॉल्ड इट द हेरिडिटरी प्रिंसिपल, वी माइट कॉल इट फ्यूडल रेमिनेंस आल्सो. फॉर द लैटर एंड पॉजिटिंग एन आइडियल लिबरलिज्म व्हिच ले इन द फ्यूचर, लेट नो वन बी फूल्ड बाय कीन्स डायग्राम अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. दिस इज नॉट द इंपीरियलिज्म एट द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ऑफ लेनिन, बट द इंपीरियलिज्म ब्लेम्ड ऑन द हिस्टोरिकल नेसेसिटी ऑफ अक्युमुलेशन and the painful birth of a new liberal capitalism. Help is available, इसको अगर आपको और ध्यान से देखना, help is available from Keynes himself, जो अपनी position बिल्कुल clear कर देते, who so clearly located his political sympathies with the liberal party. In the end of Lies of Fair, this is another essay by Keynes, he distinguishes between the liberal party, from the conservatives on one hand and the labor party on another. So conservatives को left और right में divide करते हैं. कंजर्वेटिव के जो राइट है वो डायहार्ड फासिस्ट हैं, जो लेफ्ट है वो कंजर्वेटिव फ्री ट्रेडर्स हैं, लाइजर्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिज्म को जन्म देते हैं, जो कि हेरिडिटरी प्रिंसिपल फ्यूडलिज्म से उठाते हैं. लेबर में भी राइट और लेफ्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं. लेबर का जो राइट है वो सोशल रिफॉर्मिस्ट है, स्टेट सोशलिज्म की एडजस्ट बात करता है, फेबियन सोशलिज्म. लेफ्ट को वो देखते हैं कि वो कम्युनिस्ट है, बोल्शेविक्स है और ट्रेड यूनियनिस्ट है. और लिबरल पार्टी को वो क्या बताते हैं कि लिबरल पार्टी का फ्यूचर क्या होना चाहिए आइडियोलॉजी? इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिज्म एंड सोशल जस्टिस एंड लिबर्टी, जो कि कहते हैं कि वो दो सेंट्रल प्लैंक्स रहे हैं लिबरल फिलोसफी. एक तरफ एक तो ये भी बोलते हैं कि लिबरल पार्टी का काम यह है कि कंजर्वेटिव के राइट विंग को, कंजर्वेटिव में जो फासिस्ट है उन लोगों को लोड देना कि लिबरल पार्टी अपने जो कार्डर है वो फासिस्ट पार्टी को देगी और लेबर को आइडियाज देना, लेबर को आइडियाज देना और फासिस्ट पार्टी को उनका वो टारगेट देना. As we can see, he blames Liza Fair for the state of affairs. He can also see himself having tea with the social reformers, but feels that they are in dire need of ideas, which he suggests can come from the liberal party. Keynes wants to save capitalism from its Liza Fair manifestation. And finally, in his own words, the scheme is well laid out. The difficulty is that the capitalist leaders in the city and in the parliament are incapable of distinguishing novel measures for safeguarding capitalism from what they call Bolshevism. Unwittingly, वो खुद ही उसका वो दे देते हैं कि difficulty ये है कि capitalist के leader हैं, जो capitalist के leader हैं, जो कुछ parliament में भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि Jindal हैं या ऐसे लोग हमारे parliament में हैं. तो ये stupid है, तो इनको हमारे जैसे liberal लोगों की जरूरत है, रामचंद्र बुआ type के लोगों की जरूरत है, जो इनको अपनी रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटलिज्म को नहीं देखता है कि वो रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटलिज्म.
Fabian socialists नहीं देखा थी हमें कीन्स को इसी रीजन की वजह से. Can we then put America in the same space as Keynes? At one level, America finally believes that it is the feudal remnants, it's the feudal consciousness that is responsible for the crisis in Indian liberalism. But as we all know, America transgresses liberal thought. ये main point है कि America liberal thought को किस तरीके से transgress करता है, वो किस तरह की possibilities को open up करता है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा. At one level, America finally believes that it is the feudal remnants that are responsible for the crisis in Indian liberalism. But as we know that America transgresses liberal thought by subscribing to a radical version of state socialism, that would have made Keynes anxious about social reformism getting influenced by the far left. Keynes could therefore enjoy his tea with Nehru. Nehru ke saath chai piye ko zarur jana ho jata. In spite of Nehru talking about Bolshevism so highly, Stalin ki death ke baad Nehru ne bahut hi emotive speech bhi di thi parliament mein. Aap sab log padhna chahte hain to marxist.org mein speech ko padh sakte hain. Keynes could therefore enjoy his tea with Nehru, but probably think of America as too influenced by Bolshevism. America's diatribes against communism that are staple of Americanite critiques of communist practice. America ne jo bola tha communist ke against, jo ki hum sab Dalit organizations use karte hain, are in fact to be seen as critiques of revisionist communism. They cannot be seen as critique of communist philosophy as such, kyunki unhone kahi kaha bola hai ki communist to communist hai hi nahi. जो कि रेडिकल कम्युनिस्ट भी आज की डेट में बोलते हैं. नॉट रियली ऑल्सो बिकॉज वन कैन सर्वाइज दैट अम्बेडकर इज वरीड अबाउट ट्रेड यूनियनिज्म नॉट बीइंग रेडिकल इनफ. अम्बेडकर को कांग्रेस से यही प्रॉब्लम है कि इनकी ट्रेड यूनियनिज्म इंक्लूसिव नहीं है, जो कि हमें भी आज प्रॉब्लम है कि ट्रेड यूनियनिज्म को इंक्लूसिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फासिज्म को जाग दे सकती है. नॉट रियली ऑल्सो बिकॉज वन कैन सर्वाइज, और जर्मनी का एग्जाम्पल तो और भी खतरनाक है. जर्मनी का एग्जाम्पल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहां पे इस तरह का आपके पास एग्जाम्पल नहीं है कि आप फ्यूडल रेमिनेंस इस तरह का वो कोट कर सकते हैं सर. नॉट रियली आल्सो बिकॉज़ वन कैन सर्वाइज दैट अमेरिका इज वरीड अबाउट ट्रेड यूनियनिज्म नॉट बीइंग रेडिकल इनफ एंड बीइंग सेक्टेरियन. आप सबको पता है कि बॉम्बे स्ट्राइक्स के बाद काफी अमेरिका को प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उन लोगों को देखा था कि दलित इश्यूज को उनके अकॉर्डिंग उठाया नहीं गया. उस जब अम्बेडकर बोलते हैं कि दलित इश्यूज को नहीं उठाया जाता, आप उसको दलित आइडेंटिटी इश्यूज मान लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रॉब्लम है. ही कंप्लेन्स एंड दिस इज व्हाट अम्बेडकर कंप्लेन्स ऑफ इकोनॉमिज्म इन द सोशलिस्ट मूवमेंट हैज लेनिन मार्क्स एवरीबॉडी इन द ट्रेडिशन नॉट कैसिकेटेड इकोनॉमिज्म. Have they not castigated sectarianism of trade unionism? They have. Have they not castigated revisionist politics to follow this? They have. So is in that sense, at least provocatively, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अंबेडकर radicalize करने की कोशिश कर रहे थे trade union movement को? On the other hand, Nehru's strategy of taming trade unionism and bringing it closer to social democratic agenda, और इस बात से आपको पता होगा भारतीय दल बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने इंग्लैंड में तीन इंटरव्यू किए थे गांधी के साथ, सी राजगोपालाचार्य के साथ और नेहरू के साथ, जो तीनों प्रति नेक्स्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. On the other hand, Nehru's strategy of taming trade unionism and bringing it closer to social democratic agendas of cooperation would have delighted Keynes, certainly. For even Keynes did not survive. Keynes को लगता कि नेहरू तो मुझसे भी समझदार निकला, मुझे तो लगता था कि ट्रेड यूनियन का असर नहीं होना चाहिए, इसमें तो ट्रेड यूनियन को भी सेक्टेरियन बनाने का तरीका निकाल. For even Keynes did not survive that trade unionism will become the central plank of containing Bolshevik influence. The difference between America and Nehru is the difference between at which we have to establish the real Democrats and liberal mix skimmers. जिसको कि अब आप जिसमें से निकल के creamy layer का concept है वो इसी शब्द से निकल गया है. Liberal mix skimming. And this is a distinction that has to be made. Even if both lie within the limits imposed on them, और दोनों ही liberal limit, even socialism की limit के अंदर है, फिर भी आप दोनों को एक ही plank पे dustbin में नहीं डाल सकते. For to not distinguish between degrees of democracy is to finally posit the inability to affect any change until revolution comes by itself perhaps. और political consciousness को कोई जरूरत नहीं है कि वो revisionist cycle से through में घूमे, अपने आप को correct करे, वो सीधा ही radical इजाद कर सकती है अपने का, वो suddenly radical form में पैदा हो जाए. हम लोगों की भी जो radical जो होती है वो revisionist practice से, हमारी politics और political revisionist practice से सबक सीख के ही हम radicalization invent हम रियलाइज करते हैं. खुद से हम रेडिकल नहीं होते हैं, किताबें पढ़ने से सिर्फ. मेरा मतलब ये नहीं कि किताब अलग होती है, प्रैक्टिस अलग होती है. मेरा कहने का मतलब है कि
प्रैक्टिस के जरिए ही हम इस फिलोसफी को करेक्ट करते हैं. What happens during the installation of the new neoliberal reforms? The installation of the new neoliberals. तो सवाल ये है कि हम लोग भगत सिंह के टाइम पे पैदा हुए होते हैं या इस टाइम पे पैदा हुए होते तो क्या आप इस तरह की राजनीतिक बातें बोल पाते? शायद आपको इतना लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं होता कि आप दुनिया की हिस्ट्री को लिबरलिज्म की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं. इसका साफ एग्जाम्पल तो ये है कि अभी तक हमारे अंदर लिबरल हिस्ट्री की जो कंजर्वेटिव वो पूरी बैकग्राउंड है अभी तक हमारे मार्क्सिस्ट थियराइजेशन में प्रेजेंट है. What happens then during the installation of the new liberal reforms, which perhaps Keynes would have characterized as a return to cruder form of capitalism? Ramachandra Guha asked, where are the liberals? Was he looking for a Keynes-like figure who would want to save the free trade capitalists from their neoclassical economic orientation and laissez-faire individualism or even free trade and replace it with a philosophy that steers clear of the agendas of the radical left? Neoliberal assault and the ensuing crisis. Can I? What happens during the installation of the new neoliberal reforms, which perhaps Keynes would have characterized as a return to a cruder form of capitalism? Ramachandra Guha asked, where are the liberals? He was looking for a Keynes-like figure who would want to save the free trade capitalists from the neoclassical economic orientation and lies of their individualism and replace it with a philosophy that steers clear of the agenda of the radical left. Neoliberal assault and the ensuing crisis becomes the juncture for the rearticulated prescription of a Keynesian welfare state. And with its left-leaning reforms on one side and a radical fascist alternative on the other, both developing at the same time. I quote from the memorandum Dr. Ambedkar submitted to the Constituent Assembly in 1948, later published by States and Minorities. Actually, कल मेरे ख्याल से आप Paul Cockshott is his name, man. उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थी जो इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर डिलिब्रेशन चल रही थी के बारे में सब जानते हैं. स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जिसको कि बाद में पब्लिश किया गया था 1948 में. It contains provisions which make the rights to hold and inherit property fundamental rights and that state cannot encroach upon. This article is called Remedies Against Invasion of Fundamental Rights. It shall, and I quote this, it shall not be competent for any legislature or executive in India to pass a law or issue an order, rule or regulation so as to violate the following rights of the subjects of the state. You can see the normative right principle working here. Very clearly. To make and enforce contracts, to sue, be parties and give evidence to inherit, purchase, lease, sell, hold and convey real and personal property. And that then further in clause 4 titled Protection Against Economic Exploitation. The United States of India shall declare as a part of the law of its constitution. Now, आप देख सकते हैं कि ये property को sale करना और ये बाकी बातें contradiction में कैसे एक दूसरे के साथ बैठती हैं. इसको सॉल्व करने के लिए अम्बेडकर ने तरीका निकाला था कि हम उनको कोई बिल दे देंगे कि जिनसे जमीन हथियारी जाएगी उनको हम बिल दे देंगे कि इसकी जगह आपके पास बिल है और हम आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा करके रेंट जैसे कि रेंट होता है रेंट देते रहेंगे. स्टेट विल गिव रेंट फॉर द लैंड्स दैट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम फ्यूडल क्लासेस एंड सो ऑन. दैट इंडस्ट्रीज एंड दीज आर द प्रपोजल्स द रेडिकल प्रपोजल्स दैट इंडस्ट्रीज विच आर की इंडस्ट्रीज और विच मे बी डिक्लेयर्ड टू बी की इंडस्ट्रीज शैल बी ओन्ड and run by the state. That industry, और ये ध्यान रखना जरूरी है जिनको जो key industries हैं और जिनको बाद में declare भी कर दिया जाता है. तो ये स्कोर रखा जाता है कि किन चीजों को बाद में declare किया जा सकता है. That industries which are not key industries but which are basic industries shall be owned by the state and shall be run by the state or by corporations established by the state. That insurance shall be the monopoly of the state and that the state shall compel every adult citizen to take out a life insurance policy commensurate with his wages as may be prescribed by the legislature. Look, I mean, you take 5 hours in bed then every time you want everybody else to be shortening their request. So, you can't do it.
देखेंगे आशीष नंदी
Dipesh Chakravarti, Ashish Nadi ka concept hai, the priority of the political consciousness of the oppressed, priority of the political consciousness of the oppressed, the ontological priority. Ashish Nadi frames it as the ontological priority of the consciousness of the oppressed, and it comes to him smelling of Eastern incense, untainted by the non-Indian and Western political imagination. This consciousness is then seen to be on the side of democracy, rejecting the violent and Western political register of communism, which according to some theories inspired by Foucault is the war model and so on and so forth. And this, when Ambedkar transcended this binary by announcing capitalism and Brahmanism as the twin enemies of his movement. Now it seems the twin enemies are communists and enlightenment thought slash modernity, and the friend is Dalit capitalism, of course. Subaltern school and post-colonial theories self-portrayal is that of a successor to Marxist analysis. मैं पहले कह देता हूँ, इन दोनों schools को साथ में नहीं जोड़ रहा हूँ, इन दोनों में आपस में कई differences भी हैं, but this is what we call the alliance of differences within a limit. This is what I'm talking about. Subaltern school and post-colonial theories self-portrayal is that of a successor to Marxist analysis, which it castigates as guilty of subscribing to determinism, reductionism and Eurocentrism, and therefore guilty of applying Western political categories to sovereign realities. This leads it to an erroneous conception about Marxism as genetically blind to the specificities of caste in India. It is alleged that Marxism cannot theorize about racial and class differences. कि Marxism आप Muslim question में भी ये बात बहुत ध्यान से देख सकते हैं. That Marxism cannot theorize about racial and caste differences. और ये सवाल ये है कि caste का difference distinctiveness में कैसे कोलाप्स होता है? Difference और distinctiveness में फर्क होता है. Distinctiveness okay. Alright. Oh, that's fine. I mean, the first thing I was told you, please keep talking in Hindi also. So I am pretty comfortable with speaking English to my people. So if only I have to read, why don't you come and read it to me? So I am not doing anything but reading from three other lines. नहीं आप देखिए हम आपकी आपकी फीलिंग को अप्रिशिएट करते हैं आपकी फीलिंग को अप्रिशिएट करते हैं ऐसे डिबेट में जहाँ से जहाँ बोर हो जाते हैं हिम्मत नहीं होती आपस में बात करके आपने जैसे कल मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने जिस तरीके से आनंद जी को आपने पूरा क्रिटिक किया अच्छे से वो भी शायद मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको आदत हो गई है शायद आपके हाँ करते रहते हैं आपने बहुत अच्छा किया आपने वो किया लेकिन आप दूसरे लोगों को क्यों नहीं कर रहे थे और ऐसे भी अभी तक तुमने आपके ऑपोजिशन में गया ही नहीं हूँ मैं तो सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने की चीज है कोशिश कर रहा हूँ मैं सर बोल रहा हूँ मेरे को एक बात आपके सामने नहीं तो मैं क्या करूँ अरे यार तो मैं समझाऊँ क्या ये बोल रहे हैं ना समझाइए तो मैं क्या करूँ ना एक बार बोले समझाइए दूसरी तरफ बोले ना समझाइए हम भी आपके खेले से आते हैं हम लड़ाई करने वाले लोग हैं चुप बैठने वाले नहीं हैं यहाँ खड़े होकर मैं बोलता ठीक है ठीक है नहीं अच्छा है All right. Because every time you know, take me off the track now. It is alleged that Marxism cannot generalize for racial and class differences. It is unable to account for religious political consciousness. It trivializes culture. And that these shortcomings can be traced to the uncritical acceptance by intellectuals of abstract categories of enlightenment thought that glosses over the particularities of the local and the determinism arising therein. अच्छा और सबको समझ आ रहा है मुझे समझाने की ज़रूरत है। So these are the following canards. Canards जो है to settle this theoretical. The notion of ontologically unique realities of labor and society in the South and the end of class as a category of analysis and political action. Marxism is unable to account for the specificities of the historical unfolding of capitalism in the colonial world. The least the West can do is recognize that the development of capitalism in the South is paradigmatically different from its Eastern, from its European slash Western predecessor. Of course, you can see that West and Europe have also, because of recent history, become one block. जबकि ये पुराने टाइम में ऐसा नहीं था आपको मालूम है कि कितनी वॉर हुई है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में टू जस्ट टेक एन एग्जांपल Subaltern studies as an example, therefore, is an example of Orientalism
ironically replete with its own cultural essentialism. And the recent spurt of interest in Gandhi as representing both a non-derivative and non-traditional discourse. कि ये non-derivative है और देसी discourse भी नहीं है. Of being neither liberal progressive nor right-wing conservative is in fact the new orientalism of post-colonial theory, a theorizing akin to the empathetic Fabian socialism of the old. The specificity of caste oppression and other heterogeneities cannot be held opposed to the universalization of capital. जिस तरह की कोशिश की जाती है, these things can't be opposed to each other. The construction of such an opposition is ideological and is even a gross misreading of identity politics itself, in part originating in the well-oiled tradition of communist fascism. Caste systematization is in fact constitutive of Indian capitalism. In this, it is entirely consistent with capital's universalization, which is not the same as homogenization. This constitutivity is the terrain of the atrocities in recent times. Emergent OBCs unleashing terror on Dalits, most often in pockets of prosperity. Kanchiram too is a lesson in revisionist social democratic politics to Dalit massacres, leading to Dalit massacres. Kanchiram operated on the unity plank of SPs, BCs, OBCs, the revisionist social democratic politics, which is like reservation for all SPs, leading to a new feudal class of OBCs, new landlords, kulaks, who terrorize Dalits for a share in the reservation pie. And the reservation pie should not be seen merely as an instrumental part of the government sector vis-a-vis the private sector, because there is no oppositional difference between the government sector and the private sector. In fact, a job in the government could very well act as an entrepreneurial task. So that if you have a government job, your son would surely open up a shop. And since the majority of OBCs stay poor anyway, they can be turned against Dalits. Revisionist subaltern politics then would push poor Dalits to move against Muslims, tribals and so on. Would we analyze this in terms of authentic political consciousness? Will the solidarity of subalterns come at the cost of othering Muslims, for example, to account for the failures of social democratic identity politics? Political consciousness cannot be divorced from political economy. And neither can pain, any sort of pain cannot be divorced from political economy. And it develops in dialogue with political economy. The categories that this encounter develops are not therefore merely a result of uncritical acceptance of Western political registers. Dalit identity politics is not derived merely and only from an authentic experience of pain. Dalit identity politics is deliberate political practice. Like communists, you hear Dalits often talk about identity politics as being revisionist. Co-option is the word that comes closer to how it is articulated and revealing structural fault lines in the liberal capitalist social democracy. Subaltern Asia, subaltern Latin America, and subaltern Africa stand all on the ruins of post-colonial promise of capitalist democracy. In countries across the so-called third world, a division of labor is accompanied, in fact, by a division of laborers across ethnicities, caste, religious groups, and regions. May I say then, this is the whole debate about semi-colonial or semi-feudal, or I think Abhinav's paper also throws a lot of light on whether we should characterize our capitalism, and therefore how should our political practice be guided? May I say that instead of semi-colonial and semi-feudal, we should perhaps move towards a neo-colonial and neo-feudal description, as they are immediately, towards a neo-colonial and neo-feudal description of Indian capitalism. By neo-colonial, I mean lack of industrialization, for example. You all know the old deindustrialization debate. That actually, modernity did not bring industrialization per se, but also was responsible for a lot of deindustrialization. Lack of industrialization and not an effect of just colonial law, but a result of colonial political economy, which is to be related to capitalism. So this is how neo-colonial would formulate and neo-feudal, which reflects upon the new kulaks, for example, and the new endogamy and how it is practiced, as Abhinav was explaining.
To end this part, I offer a diagrammatic description of the relationship between subaltern and college struggles. Suffice to say that college struggles are not exclusive. College subaltern struggles and vice versa. It is clear that social democratic agendas of the subalterns, identity politics to reservation kind of agendas, operated in the same space as revisionist communism, notwithstanding the mutual fulminations. So again, the notion of both of them abusing each other but becoming the brothers in difference within the limit. And it is clear too that subaltern radicalism and radical communism are both a constant fight against social democratic revisionism, both from within and on the outside, and both stand at the edge of limits of liberal politics. Finally, to make a polemical statement, the shattering of Ambedkar's faith in the virtues of parliamentary democracy should really be seen as representing for the subalterns as well as the communists an opportunity towards radical emancipatory practices. So, हालांकि हम उनकी Buddhist conversion को एक उल्टा move देख सकते हैं, लेकिन recently CPM politics आपको ये realize करना पड़ेगा कि उन्होंने उससे पहले radical agenda निकाला था, हालांकि क्योंकि वो उसको पूरे stakes तक नहीं पहुंचा था, उन्होंने फिर ये अपना notion निकाला कि Buddhist पे convert कर दिया. The shattering of Ambedkar's faith in the virtues of parliamentary democracy should really be seen as representing for the subalterns as well as the communists, and this is a lesson for communists for just dismissing Ambedkar just like that using some kind of Marxist theory. The shattering of Ambedkar's faith in the virtues of parliamentary democracy should really be seen as representing for the subalterns as well as the communists an opportunity towards a radical emancipatory praxis. His turn away from lessons of this failure and his turn to the Buddhism should be seen akin to communist revisionism and communist revisionism's belief in another Buddha hand called the Indian Constitution. So the next part is called Marxism and liberal incarceration. Marxist theory too grapples throughout the century with the idea again it had inherited. Marx also thought similarly, though he was more alert to subaltern pressure from liberal history, that bourgeois and capitalist modernity sweep up their feudal power structures and install a regime of abstract labor. It is this precise Eurocentricism in Marx's own theory that Marxists will spend 100 years collecting in lived political experience. It was soon realized that labor abstraction could very well exist with other forms of communitarian hierarchies, nay, rather modernize them and turn them into fascism and ethnic conflagrations with a characteristic link to political economy of capitalist modernity. In India's case also, communist revisionism and its theoretical evaluation will hinge on defining Indian capitalist modernity. Consider the characterization, for example, of Indian big bourgeoisie and counter-attack by the radical left and partners in fighting feudalism. The guard against revisionism is seen as the guard against becoming social democratic, to guard against economism, to guard against fascism. Subaltern theory, which seems to critique orthodox Marxism, eventually ends up developing theories in the vicinities of theories of deepening democracy, Dalit aesthetic politics, and so on. To account for the failure of Indian capitalist modernity to develop liberal political culture as expected and as taught. The only explanation left for them that departs from communism self-critique, radical communism to self-critique करता है, उससे depart करने पे यही formulation रहता है, that there is something ontologically distinct about Indian social reality, that religious consciousness among workers, caste consciousness, regional consciousness becomes fascist only in its encounter with Western paradigm of doing politics. I will take an example, refer to the Supreme Court judgment of the Salvatism in the Nandini Sundar versus State of Chhattisgarh. Aap sabko is judgment ke maalum hai, kaafi wahai hui is judgment. The Supreme Court's liberal goal of liberal rhetoric to validate its moral authority and to keep the shine of the beloved constitution enthralled leftists of many sorts. One look at the judgment and it seems that the Supreme Court has become Marxist. References to imperial rule, to Congo, to extractive capitalism, to imperialist capitalist expansionary policy, and the courts exclaiming in the end, the horror, almost have us reaffirm our
faith in the constitution and the ethical God checking the abuse of centralizing power. It is in this light that the judgment's endorsement of the good old sandwich theory should be seen. Its purpose is to grant legitimacy to liberal ideology, whence the Maoists have become shepherds of victims-turned grace zealots, even if states have to be responsible for it and are now blocking development by an enlightened state. To appreciate the political consciousness of the Maoists is beyond the comfort zone of contemporary parliamentary politics, whose most pious extreme is the self-correcting welfare state. Right. The critique of capitalism is turned into a critique of bad capitalism. Example, early capitalism, as can be seen by Supreme Court's invocation of the imperial plunder of Congo, or lumpen capitalism, which is like extractive capitalism, which is the all what discussion over here. Or lumpen capitalism. Trickle-down development is the new good capitalism. Development is made synonymous with good capitalism. The judgment and its heart-wrenching liberalism is a reaction to Maoist thought as an example of transgression from within. And this is important, the notion of transgression from within, so that again we don't end up castigating Ambedkar. You must remember that Ambedkar's consciousness, aap logo ke paas to communist revisionist ko gaali dene ka aap logo ke paas bahut agendas hai, lekin aapko ye bhi dhyan rakhna padega ki Ambedkar ek us tabke ka leader hai, usko aapko thoda bahut dena padega uska revisionism jo aap so called kehte hain correct karne ke liye. Halanki main ye keh raha hu ki Ambedkar ka revisionist policies still were more radical than CPI policies, for example. Okay. Is the revolt of the prodigy, the vision of people democracy, similar to its heart-wrenching liberal years of the Dalits? When the liberal apex court is at its enlightened best, it stops just short. Lest instead shame on democracy, it has to import sham democracy. And this produces both its moral authority mostly, but for some interpretations, it is precisely at these movements that its powerlessness and tokenism are revealed. Dalit politics and even Marxist politics do not operate on a terra firma of contrastive operability. Marxism has always been the theory of the rising consciousness of subalterns set against revisionist subaltern politics. Did not the Communist Manifesto spend half of its space to the rejection of prevailing radicalisms and push the limits of radicalism towards the destruction of the capitalist system as a whole? Just as a caveat though, for the super radicals were finally arrived at the revolutionary corrective of all theory, that the career of revisionism seems to be never ending. So finally, my next part is called Asking the Jewish Question, the fascist underpinnings of social democratic populism, or heart-wrenching liberalism. Marxism on the Jewish question details the inauguration of a racial politics slash struggle which erases the knowledge of the structure of domination. Marx contends that anti-Semitism collapses the distinction between Jews as people and the spirit of Judaism, the latter being the spirit of finance capital. In the case of caste then, could we not ask, and I am not applying that essay directly to it, I am just merely taking some inspiration from it. In the case of caste then, could we not ask if identity politics works by collapsing the distinction between caste system and upper caste people as far as Dalit identity politics goes, between labour competition and the competitive other as far as reactionary identity politics goes, usually a minority community like Muslims, dying migrants, illegal migrants and so on and so forth. This is not to say that Dalit identity is racist, but that sometimes with tragic results, it misconstructs the fight against caste as merely a fight against the people who roam in the upper echelons of the caste system. Is this not the context in which we can place the rising congratulatory chorus around Dalit capitalism? Look, we are catching up with them. Maybe don't recall that there is something very ugly in catching up. It is adopting the tools of the winners or accepting the rules of the game. Dalit capitalism, black capitalism, Jewish capitalism, Japanese capitalism, post-colonial capitalism, third world capitalism. The question is, who will be our constitutive other? So I am now going to quote Foucault from the same book I referred to earlier, Society Must Be Defended. We have then, on one hand, the Nazi
reinscription of state racism in the old legend of the working classes, and on the other, Soviet reinscription of class struggle within the silent mechanisms of state racism. To this we oppose, to Foucault's idea, this is how we oppose it. We find systemic sameness not between communism and fascism, but we find fascism and liberal capitalism to be the same. What is the model of bourgeois democracy? And it is this model itself and its so-called separation of capitalism and fascism that justifies the war against communism. The idea that consciousness slash political imagination could rise above the contradiction of society only serves to hide that it is only the fear of class war or appropriation of private ownership of means of production and knowledge by the subalterns that fights the ideological crop of democracy without revolution. Here I am trying to make a distinction that if you have to appropriate the dead labor that has been appropriated by upper classes throughout the ages, Marx had to concentrate dead labor. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट लेबर सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं रहता है, नॉलेज में भी होता है. इसलिए नॉलेज को पाना उस डेट लेबर की इक्विटी और उसको मेंटेन करने के बहुत जरूरी होता है. पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या द आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस स्लैश पॉलिटिकल इमेजिनेशन कुड राइज अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ सोसाइटी ओनली सर्व्स टू हाइड दैट इट इज ओनली द फियर ऑफ क्लास वॉर of appropriation of private ownership by means of production and knowledge by the subalterns that fights the ideological crop of democracy without revolution. Political experience has taught us that even a step towards the transgression of liberal modes of politics towards proletarian solidarity invites the guns of the bourgeoisie. And this is tragic in concerning the international situation. Social democracy is objectively the moderate wing of fascism. The bourgeois cannot retain power without such a bloc. It would therefore be a mistake to think that pacifism signifies the liquidation of fascism. Peace, the notion of peace. In the present situation, pacifism is the strengthening of fascism with its moderate social democratic wing pushed into the forefront. And the next is Arti Dutt. Fascism arises where a powerful working class movement reaches a stage of growth which inevitably raises revolutionary issues but is held in from decisive action by reformist leadership. Fascism is both the midwife and the child of reformism. And so the national socialism of the Nazis must be seen in its true maneuver. Some industrialists in Nazi Germany were reported to have become nervous after the anti-capitalist propaganda. Hartwig Brandt, chairman of the Communist Party of Great Britain, Marxist-Leninist, quotes a letter written by the leadership of Nazi Party to a Weimar capitalist. Do not let yourself be confused by the text of our posters. Of course, there are catchwords like down with capitalism, etc. But these are unquestionably necessary. For under the flag of German national or national alone, you must know, we should never reach our goal. We should have no future. We must talk the language of the embittered socialist workmen, or else they wouldn't feel at home with us. We don't come out with a direct program for reasons of diplomacy. Only some days back, and this is March 13th, Narendra Modi asked BJP workers to educate people about the center's plan to divide the country on castes and religious grounds. He was speaking against the proposed 4.5 reservation to the minorities within the 27% quota for the OBCs. 4.5, 27. Identity politics makes sense here for the OBCs as a block for seeking social democratic politics policies within a neoliberal developmental state. And as the poor majority amongst the OBCs would remain poor, they would need an explanation for it. And this is where the conversion of competitive labor into war on the competitive other happens. You all know that Muslim businesses were targeted extensively during the Gujarat genocide. As far as the Dalits were concerned, to make sure that no horizontal solidarity can be built amongst Dalits, OBCs and poor Muslims, Modi announced earlier in February last year a special scheme for Safai Kardars and their children. These are to be trained at institutions like Somnath Sanskrit University. Strange thing is, Dalit rights activists have welcomed this decision. According to Manjula Pradeep of Dalit rights organization, Nav Sarjan, the move is reformist. We appreciate it. The state government should seriously address such issues as untouchability,
ban on the entry of Dalits in temples, social and economic boycott, forced migration and manual scavenging. I haven't spoken much about untouchability, but just to make a political statement, it is more in the sense of a metaphor to issue provocation rather than issue a proposition. So provocatively speaking, today an untouchable is a person who does not fit into conservative patterns. A person who does not eat a hamburger at McDonald's is untouchable. Right. We appreciate it. The state government should seriously address issues such as untouchability, ban on the entry of Dalits in temples, social and economic boycott, forced migration and manual scavenging. Gujarat is a perfect example of social democratic manipulation of various identities at the cost of one other community. To take the retribution for the spectacular failure of social democratic identity politics in each of these communities. Towards the last of this now. Dalit plane in the politics of authenticity. Dalit politics is at a point where it recognizes the structural limitations of the capitalist welfare state and yet must seek utmost social democracy with subaltern pressure. So it is not enough only to ascribe social democracy, which we say does not exist anyway, to a top-down imposition. That social democracy is a tarika hota hai, top-down hota hai. For its proximity to the truth about the myth of democracy and for its representing the subalterns who are the victims of the onward march of neoliberal capital, it must pay. I may not repeat here the litany of massacres that came not from the Brahmins, but mostly from a feudal class, new feudal class, brought into being by the state's betrayal of subaltern pressure. We can say that subaltern politics has any meaning only if it most radically challenges the limits of the development state, reveals the contradiction between democracy and liberal capitalism, and at the same time is the force that pushes at the limits of definitions of democracy. It co-operates typographical evidence. The modern state can be located only in the global history of capitalism. And so to cast and a political role in contemporary India coming to play within the history of development in what is generally known as bourgeois democracy. It is precisely the alarm at the bourgeois nature of the national movement that inaugurates Dalit political pressure. The persistence of encounter between organized Dalit politics and Marxism can only be situated in the exigencies of capitalist modernity's universal unfolding. It is neither a question of Dalit politics being blind to determinations of class, nor of Marxist politics being inconsiderate towards the particularities of class hierarchy. Neither historically nor in contemporary times can Dalit politics be divorced from its dynamic and sustained encounter with Marxist categories of political analysis and Marxist parties that still draft political dreams of cooperative agriculture and proletarian solidarity. In this sense, Dalit pain finds its moment of eruption into political consciousness by discovering the hollow claims of Indian capitalist modernity and begins. And begins its arduous entanglement with trying to fathom why liberal governments failed to fight class obscurantism as saving socialism thought. I will take a small detour here. You see, education provides Dalit with being able to rise to a certain kind of political consciousness. So, sirf wholesale, usme usko gaali dene ka ki wo revisionist ho rahe hain, fayda nahi hoga. In this sense, Dalit pain finds its movement of eruption into political consciousness by discovering the hollow claims of Indian capitalist modernity and begins its arduous entanglement with trying to fathom why liberal governance failed to fight class obscurantism as Keynesian socialism taught. We can see this in the change of attitude towards colonial rulers from an earlier balancing group to weeds to be rooted out. पहले माना जाता था कि उनके साथ डील करके हम कांग्रेसियों को फाइट कर सकते हैं, but at a certain time it was realized that we have to first fight the Goras and then within the constitution we can do something.
It is this disappointment with what he thought was Indian illiberal democracy that leads America to believe that capitalism in India is unique in as much as it exists in a symbiotic relationship with caste. And so Indian liberalism is no Indian liberalism at all, and Indian capitalism is of a unique variety. It is well known that Ambedkar consistently characterized the Congress Party as a party of capitalists and landlords. Only one piece was missing from the puzzle. The revelation that there was never any good liberalism that naturally developed out of capitalist modernity, as liberal history claimed. That there would be no state standing above capitalism that would arbitrate welfare. This would have alerted him to the false mystifications of Stalin's hierarchy. Indeed, it is subordinate pressure that forces capitalist modernity to invest in a welfare state. It is not the bourgeois state that inaugurates the welfare redistributed paradigm. The autonomy of the state is limited to ensuring the best of the worst and back to under subordinate pressure and then preach the gospel of democracy. And yet, Ambedkar as a political representative of Dalit political consciousness was in a unique position to encounter dominical capitalism. Like the confluence of fascism and capitalism that is so characteristic of European history. Ambedkar's theorizing encounters the limit of an experience when the fading socialist myth about a welfare capitalist liberal state is demolished. Ambedkar's encounters with Marxist thought is therefore an inevitable response to the encounter of subalternity with the onward march of capitalist modernity, with its liberal ideology of progress and fight against feudalism. This is the genealogy of the disappointment of many believers in the failing socialism of Nehruvian years, after bourgeois capitalist modernity had failed to live up to what liberal thought maintained was its historical destiny. Like many Fabian socialists of his time, Ambedkar still continued to believe in the resolution of subordinity within the auspices of the welfare state. It seemed that only three capitalist consciousness stood in the way. That caste consciousness is free capitalist. Even then, Ambedkar's comments about Marx were very different from standard liberal critiques, and are yet drummed up in support of thesis that Marxist categories of analysis are unsuitable to measure Indian realities and share Eurocentrism with other so-called modern political imaginaries. As Ambedkar realized and quoted with his embrace of Buddhism. Ambedkar's embrace of Buddhism should be seen in context of communist revisionism and socialists like Nehru and the Congress Socialist Confederation. There has never been any welfare capitalism. Perhaps the feudal capitalism attributed to India is... There has never been any welfare capitalism. Perhaps the feudal capitalism attributed to India is because of the fact of colonization that bourgeois India has not half the world to colonize. Indian capitalist modernity brings modern solidarity and organization to casteism and fascism. It pushes communal racial consciousness on its journey to fascism and caste consciousness on its journey towards caste wars. These are the two categories that colonial capitalist modernity chose to deal with subordinate pressures, religion and caste. These political imaginaries then could legitimately deal with the so-called democratic state. It is the capitalist modernity's evocation of these political modalities and the limits imposed by them that remains the bane of identity politics in general. Its potential to develop into race and ethnic war, into caste war, is displayed on post-colonial nations, states across the world. As Ambedkar realized after his experience with drafting the constitution that Indian democracy was no Fabian state. It was only left to transgress liberal thought, to announce the true face of all liberalism, imperialism, fascism, and ethnic war. And this is where we must go on from. The political realization on behalf of the subalterns of the limits of constitutional capitalist modernity, the revelation of the subaltern politics as the struggle against ideology of failing socialism, that capitalism brings democracy in its wake. Even within the limits of liberal politics, even a modicum of social democracy has to be fought for politically and retribution suffered. The revolutionary left alternative as a historical condition of both anti-capitalist and anti-caste movements.
Theories of revisionism is the self-corrective principle against the seductions of social democratic politics. Caste class synthesis, finally, is merely an ideological accompaniment to the refusal of radical communism and radical subalterns to pay lip service to social democratic reformism. Caste synthesis is really revisionist subaltern, revisionist communist co-option into the structures of bourgeois democracy. To conclude, the debate about the Dalits is not a question of caste, but a question of caste system and its relationship with bourgeois capitalism. धन्यवाद किशान, आपने अपना परिचय यहाँ पे सदन के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ किशान से एक रिक्वेस्ट यह भी करूंगा कि वो अभी साथ में एकदम बने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी बात को विस्तार से रखा, शुरू में काफी एक्सप्लेन करते हुए रखा, बीच में कुछ तल्खी भी पैदा हुई। बहरहाल ये हिस्सा है इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स का, तो मैं उम्मीद करता हूँ और बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सदन में मौजूद रहे। और जिस तरीके से उन्होंने कुछ अवधारणाएं अपनी रखी हैं, और जितनी मेरी सीमित जानकारी है, मुझे लग रहा है कि उसमें से कई भांति कहा जा सकता है कि मौलिक अवधारणाएं भी हैं, जितनी की मेरी सीमित जानकारी है, हो सकता है कि मैं एकदम गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी बात उनकी तरफ से आई है, मतलब बहस के नजरिए से। और लेकिन वक्ता बहुत ज्यादा है, काफी सारे नाम यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ साथियों ने, जैसे मैंने कल ही बताया, उन्होंने कुछ ने नाम वापस दे दिए, कुछ साथी लगातार दो दो तीन तीन बार पर्ची भेज चुके हैं, तो और भी उनकी तरफ मुझे लग रहा है आज भी बहस लंबी चलेगी। और अभी मैं यहाँ पर साथी लालपू, उन्होंने अपना नाम काफी देर से दिया हुआ है और देर से इंतजार कर रहे हैं अपने पानी का, तो मैं सबसे पहले उन्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ। साथी आज दो तीन बातें कहूँ। एक तो अभिनव को बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी स्ट्रोक सामग्री तैयार की। हिंदी में इस तरह की सामग्री जल्दी उपलब्ध नहीं होती, तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि क्योंकि हिंदी क्षेत्र में जो इस तरह की सामग्री पढ़ते हैं वो साहित्यिक पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, और साहित्य में चूंकि ऐसी सामग्री अदरवाइज उपलब्ध नहीं है, तो साहित्यिक आलोचकों ने ये काम ले लिया है अपने ऊपर कि वो इतिहास वगैरह पे लिखते रहें, तो उसकी समस्याएं भी बहुत हैं। तो इसलिए जैसे रामविलास शर्मा और भगवान सिंह वगैरह की जो स्थापनाएं हैं उनके साथ भी एक मुठभेड़ की जाए, और साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से जो हिंदी के आम पाठक हैं उन तक बातें जाए, मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा करें। बाकी जो स्थापनाएं हैं, मैं तो विज्ञान का अध्यापक हूँ और जो ज़्यादा जानकार लोग हैं वो उन स्थापनाओं के बारे में बहस करेंगे। बेटी रानी को मैंने सुबह ही उनको कहा बहुत धन्यवाद कि आपने जिक्र किया कि विकल्प सिर्फ दो ही नहीं होते कि चरकिनार होना या देवी कहलाना एक स्त्री को, और सचमुच मेरे पास केवल दो विकल्प नहीं है। ये मैंने उनको उनसे बात की, वो प्रसंग ऐसा था जहाँ मैं ये कह रहा था कि ये सवाल उठाना कि स्त्री हमारे विमर्श में दरकिनार अगर है, तो अगर आप ये कहने पर किसी को ये लगे कि मैं दया की भावना से ये कह रहा हूँ, तो मैं ये सुनना पसंद करूंगा कि आप मुझे पेट्रोनाइजिंग रोल में देखें, न कि मैं ये मान लूं कि वो दरकिनार हो। ये प्रसंग था। तो वैसे इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कैसे एक दूसरे को समझते हैं, जो भी तमाम जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, इन सभी चीजों की अपनी सीमाएं हैं, भाषा की अपनी सीमाएं हैं, हम किस भाषा में बात करते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण। और फिर मुझे मतलब इस पर किसी तरह की डिफेंस की जरूरत नहीं है। हम जो यहाँ आए हैं इस पूरी आस्था के साथ आए हैं कि हम अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ उनकी बातें सुनने आए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि किसी तरह की किसी डिफेंस की जरूरत है, पर केवल एक बात के उदाहरण के बतौर मैं ये कहूंगा। सत्यन ने जो आज उदाहरण दिया वो बहुत
इंटरेस्टिंग बहुत रोचक उदाहरण है कि दलित कॉमरेड को जो भी पॉलिटब्यूरो या किसी भी उच्चतर स्तर की समिति में रखा गया, तो जो ठाकुर कॉमरेड थे उन्होंने कहा कि वो 3-3 मिनट का वक्त दिया और ठाकुर कॉमरेड ने कहा कि चुप करो, तो वो चुप कर गए। अब उन्होंने बताया कि देखो कैसी उदाहरण है कि दलित कॉमरेड तैयार नहीं थे समिति तक।